राम राम। जब किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह अच्छा हो देखने में आता है, ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है। अगर लव मैरिज ना भी हो तो इन्हें अच्छा पार्टनर मिलता है शादी के बाद, और ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान और अच्छी जगह पर आना जाना और लग्जरी का भोग भोगते हैं, जो बताता है शुक्र ग्रह इनका बहुत अच्छा है। ब्रांडेड कपड़े पहनने, परफ्यूम लगाना, तो ये देखने में आता है कि शुक्र ग्रह बढ़िया है। अब किसी का शुक्र ग्रह अगर खराब हो, ऐसे व्यक्ति का कभी प्रेम संबंध नहीं हो सकता, लव मैरिज तो दूर की बात है। ऐसे व्यक्तियों की शादी भी नहीं होती, शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ किच-किच। मकान भी सुंदर नहीं होगा, गाड़ी भी सुंदर नहीं होगी, कपड़े भी अच्छे नहीं पहनेंगे, बंठन के नहीं रहेंगे, जो हाथ आया वही पहन लिया। परफ्यूम लगाए हुए सदियां बीत जाती हैं, महकते नहीं हैं, इनके शरीर से कई बार बदबू आती है, लोग थोड़ा सट सट के बैठते हैं इनसे। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खुशी का अभाव होता है, हर समय नीरस से, उदास से और मुस्कान से रहित होते हैं ऐसे व्यक्ति, है ना, हसमुख नहीं होते। तो ये जांच है कि आपका शुक्र कैसा है, सिम्टम खुद आप मिला के देख लें, और आप अपनी कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह का उपाय करना चाहते हैं, जो कि सर्वसाधारण है, हर कोई कर सकता है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम किसी व्यक्ति को बोलें कि भैया तुम्हें दुनिया में कौन सी जगह पसंद है, तो वो कहेगा मुझे सबसे पसंदीदा जगह जो है ना, मेरा अपना घर है। मैं अपने घर में बैठ के जितना खुश और हर्षित होता हूं, उतना आनंद मुझे कहीं नहीं आता। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हम वापसी की तरफ भागते हैं कि एक बार अपने घर में पहुंच जाए। घर में जो आनंद है वो कहीं पे नहीं है। ठीक है, हर चीज की चाह एक सीमा तक होगी, लेकिन अपने घर की चाह इंसान को हर वक्त रहती है। जो लोग विदेश गए हैं उनसे पूछ ले। तो हमें यही करना है। शुक्र की जो राशि है, खाना नंबर 2 में वृषभ राशि पड़ती है, वहां पर शुक्र काफी हर्षित होते हैं, अच्छा भाव माना गया है वह शुक्र के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, शुक्र की वस्तु, क्योंकि खाना नंबर 2 हम मंदिर भी मानते हैं, ठीक है ना, मंदिर यानी कि वृषभ राशि में मंदिर पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, शुक्र को वहां लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? शुक्र क्या है, उसकी जो कोई भी वस्तु, कारक वस्तु है, जब हम मंदिर में देंगे तो शुक्र अपने घर में हर्षित होगा। और अगर वो आपके जीवन में शुभ फल नहीं दे रहा तो शुभ फल देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह अपने घर में पहुंच चुका है। और यहां पर अगर आपका शुक्र पहले ही अच्छा है तो उसे आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये उपाय सर्व साधारण के लिए है। देखिए, जो रुई होती है, ये देखिए, ये रुई की बत्ती है जिसे हम जोत में जलाते हैं। तो ये रुई की बत्ती का एक पैकेट लेके आप मंदिर में दान करना शुरू कर दें, या फिर देसी घी आता है, 200 ग्राम देसी घी येलो कलर का लें, बाजार से मिल जाता है येलो कलर का देसी घी, 200 ग्राम लेके मंदिर में दे दें। कब दें? शुक्रवार को दें, सुबह के समय दें, 10 बजे से पहले दें। इससे क्या होगा, आपका शुक्र ग्रह बढ़िया होगा। तो दोनों चीजें काम करेगी, रुई जो होती है वो भी शुक्र की है, देसी घी गाय का वो भी शुक्र का है। तो दोनों चीजें, अगर आपका शुक्र खराब है, खाना नंबर 2 जो कि मंदिर धर्म स्थान माना जाता है, किसी भी धर्म का, वह अपने मजहब के अनुसार धर्म स्थान में दे सकता है। ऐसा करने से शुक्र ग्रह अपने आप अच्छे होते हैं, और शुक्र से जुड़ी हुई चीजें जो मैंने आपको बताई, प्रेम संबंध, शादीशुदा जीवन, जीवन साथी का सुख, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान और पहनावा, और सुख आने लग पड़ते हैं। अब ये उपाय करना कितना है, जितना दिल चाहे उतना करें, क्योंकि ये शुक्र की ऊर्जा है। कोई भी अपनी जवानी को तो खोना नहीं चाहता, शुक्र जवानी भी है। तो जितना ज्यादा करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।